फ्रेंड्स, आज मैं क्विज टाइम ले आया हूँ और आप कितने इंटेलिजेंट है क्रिकेट के बारे में तो वो इसमें पता चलेगी। और इसमें फेवरेट थिंग्स नहीं होंगे, इसमें मैं पूछूंगा रियल क्विज, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास जैसे पूछ सके और पूरे आपको आंसर देने कमेंट बॉक्स में डाल डाल कर। तो चलिए ज़्यादा से ना गवाते हैं, हम लोग इस वीडियो की भी शुरुआत करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और क्रिकेट को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो इसे आपको आंसर देना है, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, आपको 5 सेकंड का मिलेगा टाइम। तो चलिए ज़्यादा से ना गवाते हुए इस वीडियो की में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए आप कुछ टाइम के लिए रेडी हो जाइए। तो मैं पहले क्वेश्चन के लिए रेडी हुई, इनमें से कौन सा कोई क्रिकेट लीग नहीं है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिकेट लीग। तो ए IPL है, बी CPL है, सी BBL है और डी RPL। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होता है RPL। ये समय से कोई लीग नहीं है RPL। इनमें से सारे लीग हैं सिर्फ RPL को छोड़कर, IPL, CPL, BBL। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निकनेम नहीं है विराट कोहली का, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट निकनेम ऑफ विराट कोहली। ए सुपर विंग, बी गॉड ऑफ क्रिकेट, सी चीकू, डी रन मशीन। तो आपका समय भी शुरू होगा 5 सेकंड का। सही उत्तर होता है गॉड ऑफ क्रिकेट। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन का है और बाकी सब विराट कोहली का है। अब क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन नेवर बीन अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड। जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप नहीं जीता, उस टीम का पार्ट नहीं रहा है, उसको आपको गेस करना है। ए युवराज सिंह, बी स्टीव स्मिथ, सी AB डी विलियर्स और डी कपिल देव। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होता है AB डी विलियर्स। ये तीनों हैं युवराज सिंह, स्टीव स्मिथ, कपिल देव, ये लोग जीते हैं। ये तीनों जीत चुके हैं, तीनों वर्ल्ड कप विनिंग पार्ट रह चुके हैं, बस AB डी विलियर्स को छोड़कर जो साउथ अफ्रीका के हैं। और चलिए हम लोग चौथे प्रश्न के लिए तैयार रखना। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑलराउंडर। ए जिमी निशान, बी बेन स्टोक्स, सी जो रूट और डी ग्लेन मैक्सवेल। इनमें से कौन सा ऑलराउंडर नहीं है। ए जिमी निशान तो मैंने बोल दिया, बी बेन स्टोक्स, सी जो रूट और डी ग्लेन मैक्सवेल। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होता है सी जो रूट, जो कि एक बैट्समैन है राइट हैंडेड। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तैयार हुई है, हु वन फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड और डी इंडिया। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होता है इंडिया। जो 2007 में MS धोनी की अगुवाई वाली टीम थी, उसमें धोनी ने कप्तानी की साउथ अफ्रीका में वो हुआ था, और 2007 में ये पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। अब 6वें प्रश्न के लिए तैयार हो जाए, विच ऑफ दिस क्रिकेट ग्राउंड इज एन न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड में ऐसा कौन सा ग्राउंड है। ए ईडन गार्डन्स, बी ईडन पार्क, सी द ओवल, डी एजबास्टन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होता है ईडन पार्क, जो कि न्यूजीलैंड में है। और ए ईडन गार्डन इंडिया में, सी द ओवल और भी दूसरे जगह पर है। तो चलिए इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बिना चीटिंग किए हुए देना है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तैयार रहिए, विच क्रिकेटर डाइड बाय प्लेइंग क्रिकेट। इनमें से कौन सा क्रिकेटर क्रिकेट खेलते खेलते मर गए थे। ए स्लेफ लेयर्ड, बी फिलिप ह्यूज, सी केविन पीटरसन या डी एलिस्टर कुक। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होता है फिलिप ह्यूज, जो बाउंसर के द्वारा मर चुके थे, टेस्ट मैच चल रहा था उसने। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न के दूर, यानी अगले प्रश्न के पास। तो अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, विच टीम हैज नेवर वॉन एनी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। इनमें से कौन सा टीम है जो कभी नहीं कोई भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीता। ए न्यूजीलैंड, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर होता है न्यूजीलैंड, जो आज तक कोई भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट नहीं जीता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये 9th वाला क्वेश्चन है, विच क्रिकेट ग्राउंड इज ऑल्सो नोन एज द मेका ऑफ क्रिकेट। इनमें से कौन सा क्रिकेट ग्राउंड मेका ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है? ए एडिलेड ओवल, बी लॉर्ड्स, सी ईडन पार्क, बी बे ऑफ ओवल। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होता है बे ओवल। इसका सही उत्तर होता है बी लॉर्ड्स। तो बी लॉर्ड्स होता है इसका सही उत्तर। ये फर्स्ट क्रिकेट ग्राउंड था पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में भी, और इंग्लैंड का ये सबसे बड़ा ग्राउंड भी है। और चलिए एक और क्वेश्चन पर तैयार हो जाइए। विच IPL टीम हैज वॉन द टाइटल ओनली वंस? ए DC, बी RR, सी RCB और डी KKR। में कौन सा IPL टीम एक ही बार सिर्फ खिताब जीती है IPL का? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होता है RR, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2008 में पहली बार IPL का खिताब जीती थी और CSK को उन्होंने हराया था। और बाकी सब ने DC 0 जीती है, एक बार फाइनलिस्ट भी बन चुकी है, RCB भी 0 जीती है, फाइनलिस्ट बन चुकी है, और KKR 2 बार की चैंपियंस बन चुकी है। तो कैसा लगा आपको क्विज? और सारे आंसर लिखना ना भूलिएगा, गलत भी कीजिएगा लेकिन आंसर आप चीटिंग मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा है क्विज? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुँचे। तो सारा आंसर देना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। टोटल 10 क्वेश्चन थे। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।